ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रशीद कंपाउंड में बढ़ते नशे के खिलाफ रेहान पीतलवाला ने आवाज़ उठाई है। वैसे तो मुमरा शहर में नशे करने वालों से लेकर बेचने वालों तक की तादाद बढ़ती ही जा रही है और रशीद कंपाउंड में नशेड़ियों का अड्डा बनता जा रहा है, जिसकी वजह से आए दिन नशेड़ियों में मारपीट और वार की खबरें सामने आती हैं। स्थानीय लोग भी नशेड़ियों से काफ़ी परेशान हैं और आपको बता दें कि नशेड़ियों का रशीद कंपाउंड श्रीलंका देवरीपाड़ा में काफ़ी आतंक है, मगर रेहान पीतलवाला अब नशे के खिलाफ उलमाओं के साथ जाकर थाने के पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर से मुलाकात की और उन्हें मेमोरेंडम भी दिया कि नशेड़ियों पर कार्रवाई की जाए, बढ़ते नशे पर लगाम लगाई जाए। कमिश्नर विवेक फंसलकर ने इस मामले को गंभीरता से लिया और नशेड़ियों के साथ साथ नशा के सौदागरों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। ये पूरा उलमाओं की टीम आज सारे लोग रशीद कंपाउंड देवरीपाड़ा और हशमत चौक से शिकायत लेकर कमिश्नर साहब के पास आए थे ड्रग्स की, और जो हमारे मोहल्लों में जो ये मसले चल रहे हैं नशों के, इस नस्बत से आए थे और एक वन टाइम सोल्यूशन के लिए आए थे कि इसको ख़त्म कराना है। ये काफ़ी दिगर कोशिशों के बाद में ये चीज़ आज हमारे मोहल्लों में, आज हमारे मसाइल ऐसे हो गए कि उलझते जा रहे हैं। इसकी नस्बत से कमिश्नर साहब से इल्तिजा लेकर आए थे कि अगर कमिश्नर साहब इसमें दरख्वास्त करके ख़त्म करा दे तो बहुत अच्छी बात है। कमिश्नर साहब ने बहुत पॉजिटिव रिप्लाई दिया और बोला कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द आप 15 दिन में मेरे पास आओगे ये बताने के लिए कि सारा मामला अंडर कंट्रोल है और हर चीज़ों पे और हर नशा करने वाले पे पुलिस का शिकंदा कस गया है। आज हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए थे। दरअसल उमरा के अंदर जो नौजवान नस्ल है वो तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ती जा रही है ये ड्रग्स और नशावर चीज़ों के जरिए से, और उसकी वजह से क्या है कि बहुत से जो पेरेंट्स लोग हैं शुरू में उसके ऊपर केयर नहीं करते हैं, बाद में जब केयर करने जाते हैं तो बच्चे उनके आपे से बाहर चले जाते हैं, पीछे बच्चे माँ बाप के नाफरमा हो जाते हैं, फिर उनको घर से पेमेंट नहीं मिलता है ड्रग्स वगैरह परचेस करने के लिए, तो फिर वो चोरी की तरफ माइल होते हैं, चोरी के लिए उनको पैसा नहीं मिलता है तो आते जाते किसी के ऊपर हमला करते हैं, उनसे मोबाइल छीन लेते हैं। तो क्या है कि मुमरा के और कौसा के आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, खुद रशीद कंपाउंड का एरिया है, देवरीपाड़ा का एरिया है, जुबली पार्क का एरिया है, दरगाह रोड की तरफ का एरिया है, तो इसके लिए आज हम कमिश्नर से रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से सुना है और उम्मीद दिलाई है कि हम इंशाल्लाह भी अच्छा एक्शन लेंगे इंशाल्लाह। आपको बता दें कि अब मुमरा पुलिस ने भी कमर कस ली है और अब रशीद कंपाउंड में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, और अब मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने बताया है कि हमारी नज़र बनी हुई है, कोई भी नशे का सौदागर बख्शा नहीं जाएगा, हमारी टीम इसी तरह से पेट्रोलिंग चेकिंग करती रहेगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।